हेलो एवरीवन, टुडेज हिंदी क्लास। माय नेम इज रेखा शर्मा, योर हिंदी टीचर। हिंदी व्याकरण, आप अपनी अभ्यास पुस्तिका और अभ्यास पुस्तक को लेके बैठेंगे सचित्र हिंदी व्याकरण, जिससे हम पढ़ा रहे हैं पार्ट 6 जेंडर लिंग। लिंग क्या होता है बेटा? शब्द के जिस रूप से स्त्री या पुरुष जाति का बोध हो, उसे ही हम जेंडर मीन्स लिंग कहते हैं। अब इसकी पहचान स्त्री या पुरुष द्वारा होती है। जैसे कि अगर स्त्री तरीके के नाम आए तो हो जाएगा स्त्रीलिंग, अगर पुरुष तरीके के नाम आते हैं तो वो हो जाता है पुल्लिंग। इसी प्रकार से जेंडर के दो भेद बताए गए, मीन लिंग के भी दो भेद बताए गए, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। एक बार इसकी डेफिनेशन वापस से पढ़ेंगे। शब्द के जिस रूप से स्त्री या पुरुष जाति का बोध हो, उसे ही हम लिंग कहते हैं, जेंडर कहते हैं। आप अपनी कक्षा 5 पुस्तक निकाल के रखेंगे, सचित्र हिंदी व्याकरण। संज्ञा में विकार या परिवर्तन लाने वाले शब्द संज्ञा के विकारी तत्व कहलाते हैं। जैसे लिंग, वचन, कारक, ऐसे ही विकारी तत्व होते हैं जो संज्ञा का रूप बदल देते हैं। जैसे मैं प्रतिदिन दादाजी दादी जी के चरण छूता हूँ। भाई बहन दोनों अपना कमरा ठीक कर रहे हैं, भाई और बहन। यहाँ भी लिंग परिवर्तन समझ में आ रहा है, जैसे भाई हो गया पुल्लिंग और बहन क्या हो जाएगी? स्त्रीलिंग। क्लियर? तो इसी प्रकार से इसकी हमने परिभाषा बताई है। शब्द के जिस रूप से स्त्री या पुरुष जाति का बोध हो, उसे ही हम क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं, जेंडर कहते हैं। इसी प्रकार से लड़का खेल रहा है, लड़की खेल रही है, इसमें हमें परिवर्तन पता लग रहा है क्या? जैसे कि लड़की का भेद आ गया, अभी लड़की खेल रही है तो क्या स्त्री जाति होगा या पुरुष जाति? ऐसे लड़का खेल रहा है, क्या ये पुल्लिंग है, क्या ये स्त्रीलिंग? ये पता लगाना हमें जरूरी है। जैसे कि स्त्रीलिंग, माँ सो रही है, ये भी स्त्रीलिंग के उदाहरण है। रानी बाग में घूम रही है, मोरनी नाच रही है, अध्यापिका पढ़ा रही है, यहाँ माँ, रानी, मोरनी आदि स्त्रीलिंग के उदाहरण है। इसी प्रकार से हमें शब्द के जिस रूप से स्त्री जाति का बोध हो, उसे ही हम स्त्रीलिंग कहते हैं। क्लियर? आगे देखिए, कुछ स्त्रीलिंग शब्द हमेशा स्त्रीलिंग ही होते हैं, जैसे चुईया, बहन, माता, नौकरानी, दादी, बुआ, बिल्ली, चिड़िया, घोड़ी, शेरनी इत्यादि। इसी प्रकार से स्त्रीलिंग की पहचान हम कैसे करेंगे? जिस शब्द के पीछे आ या ई, इया, आनी, आवट, आइन, ता, इन आदि आ जाते हैं, वो हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं। क्लियर? अब सेकेंड रूप आ जाएगा हमारा पुल्लिंग। पुल्लिंग की पहचान कैसे करेंगे? ये देखिए सभी, पिताजी दफ्तर जा रहे हैं, घोड़ा दौड़ रहा है, लेखक ने सुंदर कहानी लिखी, तो लेखक भी यहाँ पे किसकी पहचान दे रहे हैं? पुल्लिंग की। जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं, उस उन्हें ही हम पुल्लिंग कहते हैं। भाई पुरुष जाति की पहचान करवा रहे हैं तो पुल्लिंग कहलाएंगे, और स्त्री जाति की पहचान करवाएंगे तो क्या कहलाएंगे? स्त्रीलिंग। क्लियर? तो ये दो भेद हो गए हमारे लिंग के, जेंडर के दो भेद, जिनके पहचान पे नंबर 40-41 पे दी हुई है। आप अपने बुक में भी देख के इसको एक बार रीड कर सकते हैं। आप पे नंबर 42 पे आ जाएंगे सभी। लिंग परिवर्तन के कुछ नियम दिए गए हैं बेटा। जैसे बाल का स्त्रीलिंग हो जाएगा बाला, छात्र का हो जाएगा छात्रा, प्रिय का हो जाएगा प्रिया, सुत का हो जाएगा सुता, महोदय का हो जाएगा महोदय। इस प्रकार से पेज नंबर 42-43 पे आपको पूरा रीड करना है। क्लियर? ये था आपका जेंडर, इस प्रकार से कंप्लीट हुआ। क्लियर? टेक केयर ऑल।